एडियाबैटिक इक्वेशन, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन लिखे फॉर्मूला बुकलेट में, पी वी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट पहली इक्वेशन लिखे, फिर गामा गैस का क्या होता है सी पी बाय सी वी, तो पहली इक्वेशन पी वी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल में पी वी इज अ कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक में पी वी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, याद भी नहीं करना पेपर के लिए, तो अगर न्यूमेरिकल आएगा हम क्या करेंगे, पी वन वी वन रेज टू पावर गामा इज पी टू वी टू रेज टू पावर गामा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब पी वी वन मोल के लिए क्या होता है आर टी, फिर वी क्या होता है आर टी बाई पी, इस वी को उठा के यहाँ पुट कर दें अगर तो आर टी वन बाई पी वन रेज टू पावर गामा, और इसे उठा के यहाँ पुट कर दें तो आर टी टू बाई पी टू रेज टू पावर गामा, तो यहाँ से गामा गामा गामा, यहाँ से गामा गामा गामा, तो आर की पावर गामा आर की पावर गामा कैंसिल, यहाँ से ये टी वन रेज टू पावर गामा, ये पी वन की पावर वन है, ये पी वन की पावर गामा है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो क्या आएगा गामा माइनस वन, ऐसी पी टू और पी टू की पावर सब्ट्रैक्ट होकर गामा माइनस वन, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा पी वन रेज टू पावर गामा माइनस वन बाई टी वन रेज टू पावर गामा, और पी टू रेज टू पावर गामा माइनस वन बाई टी टू रेज टू पावर गामा, ये भी एडियाबैटिक इक्वेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। इन केस अगर आपको न्यूमेरिकल प्रेशर टेम्परेचर में आया, वैसे रेयर है तो कोई बात नहीं, हमें ये इक्वेशन तो याद है ना, हम कन्वर्ट करके अपने आप ये इक्वेशन बना लेंगे, याद नहीं करनी आपने, रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन पी वन वी वन रेज टू पावर गामा, पी टू वी टू रेज पावर गामा तो हमें आती है, अब पी वी क्या होता है आर टी, इस बार पी को रिप्लेस करते हैं आर टी बाई वी, तो इस पी वन की जगह आर टी वन बाई वी वन, इस पी टू की जगह आर टी टू बाई वी टू, आर से आर कैंसिल, वी वन की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वी टू की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो क्या बनेगी इक्वेशन टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, बहुत कॉमन इक्वेशन है, नोट करें इसे, ये यूज होती है, या तो यूज होगी पी वी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, या यूज होगी आपके घर में क्या लगा हुआ है टीवी, तो टीवी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, याद करने का तरीका है। दो इक्वेशन आपने याद करनी है, न्यूमेरिकल किस पे आएगा मालूम नहीं, ज्यादातर इन दो इक्वेशन से सॉल्व होता है, बीच वाली इक्वेशन मेरे को तो याद थी, चाहिए होगी निकाल लेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका प्रूफ है आपके लोगों के लिए लिखा हुआ है कि ताकि कोई बच्चा पूछ ले कैसे हुआ, तो उसका प्रूफ है पेपर में, ना था टफ है, थोड़ा सा अलग सा है, मतलब टफ तो नहीं कहूंगा अलग सा है, पर मैं करवा दूंगा आपको अभी दो मिनट, इसका प्रूफ कैसे है, वेट करें एक मिनट प्लीज।